एंड द प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक भागलपुर एंड एचओडी ऑफ कंप्यूटर साइंस प्रियंका सिन्हा एंड कॉलेजियस ऑनरेबल स्पीकर ऑफ हाईपेक्स टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड लखनऊ एंड डियर स्टूडेंट हु आर पार्टिसिपेटिंग वेबिनार पाइथन प्रोग्रामिंग टूडे. हेलो. या प्लीज कंटिन्यू राजेश जी. ओके ओके. यस सर, यू आर ऑडिबल, प्लीज कंटिन्यू. एक मिनट सर, हमारे इधर नेटवर्क आप लोग आवाज नहीं आ रहा है. वॉइस क्लियर आ रही है राजेश जी, प्लीज कंटिन्यू. ओके. हाँ हेलो. सबसे पहले पाइथन हम लोग उसके बारे में जानना चाहेंगे. पाइथन होता क्या है? ठीक है, पाइथन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका इस्तेमाल वेबसाइट बिल्डिंग मतलब और एप्लीकेशन डेवलपमेंट, मशीन लर्निंग, डाटा एनालिसिस, वेब स्क्रैपिंग एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जैसे कार्यों में किया जाता है. और पाइथन को जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहा जाता है. अगर आप एक प्रोग्रामर बनना चाहेंगे तो पाइथन क्या है और इसका उपयोग कैसे करते हैं, इसके बारे में हम सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे. तो हम एक्चुअली वी हैव मतलब मेनी स्पीकर हैव डिलीवर्ड देयर स्पीच ऑन दिस रिलेटेड टॉपिक. सो विद द हग राउंड ऑफ अप्लॉड, मे आई प्लीज कॉल अपॉन मुकुल सर एंड रिक्वेस्ट हिम टू स्पीक ए फ्यू वर्ड अबाउट दिस एक्सपीरियंस ऑन दिस टॉपिक. Thank you, Rajesh sir. Before starting this workshop, I would like to introduce myself. My name is Mukul Kirti Verma and I am working as a CTO at Hypex Technology Private Limited. And the agenda of this webinar is what is the scope of Python? How can we choose our career in the behalf of Python? And for now onwards, for the sake of simplicity, I will continue in Hindi. Okay. So, Python के बारे में बताने से पहले मैं कुछ चीजें और बताना चाहूंगा. यहाँ पर अभी अपने वेबिनार में first of all, I would like to share my screen. Is it visible to all? Yes, sir. Yeah. Okay. So, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ने के लिए या अगर हम अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू, तो हमें पता होना चाहिए आखिर उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ना कैसे है. तो सबसे पहले किसी इवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से भी पहले हम आते हैं, हमें पहले अपना गोल डिसाइड करना होगा कि आखिर हमें किस एरिया में जाना है. अभी इस वेबिनार में मेरे हिसाब से अभी कंप्यूटर साइंस सीएस आईटी और ईसी के बच्चे हैं. तो सबसे पहले हमें कि हमें वेब डेवलपमेंट में जाना, जैसे सीएस और आईटी के बच्चे होंगे हमें वेब डेवलपमेंट में जाना, सॉफ्टवेयर डेवलप और आईटी के बच्चों को पहले डिसाइड करना होगा. जब हम हर एक चीज की मुझे इस एरिया में जाना है, फिर उस हिसाब से आप लोग तैयारी करेंगे. अब मैं ये बताना चाहूंगा कि अगर आपने कोई भी एरिया चूज किया है अपने फ्यूचर के लिए, अपने करियर के लिए, तो पाइथन कैसे आपको हेल्प कर सकता है उस पर्टिकुलर गोल. वेबिनार में हम लोग पाइथन के बारे में जानेंगे और उसके एडवांटेज क्या होते हैं ये जानेंगे, और साथ ही साथ कैसे आपको आपके फ्यूचर गोल्स को प्राप्त करने के लिए यूजफुल होगा. ठीक है, तो आज के एजेंडा में बात करेंगे पाइथन का इंट्रोडक्शन के बारे में, फिर उसका कुछ ओवरव्यू देखेंगे, फिर देखेंगे कहाँ कहाँ एग्जैक्टली पाइथन यूज होता है. जैसे आपने अगर कोई फ्यूचर गोल डिसाइड किया तो वहां क्या पाइथन यूज होता है, क्या अगर नहीं यूज होता है तो हम उस एरिया में क्या चीजें सीख सकते हैं. ठीक है, मेजर प्रोजेक्ट जो कि पाइथन में डेवलप किए गए उनको देखेंगे,
फिर कौन कौन से ऐसे फीचर हैं पाइथन के जो इसको दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से अलग बनाते हैं, फिर देखेंगे कौन कौन सी लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं सीएस और आईटी के स्टूडेंट के लिए पाइथन में, और साथ ही साथ देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चों के लिए पाइथन को कैसे सीखा जा सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स से बच्चे कैसे सीख सकते हैं पाइथन को। फिर इसका फ्यूचर स्कोप देखेंगे पाइथन का कि क्या इसका एग्जैक्टली फ्यूचर में क्या यूज है पाइथन का, और कितनी जॉब्स हैं, कितना सैलरी पैकेज है, ये सब सारी चीजें देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से पाइथन का। तो पाइथन एक जनरल पर्पस लैंग्वेज, जनरल पर्पस का मतलब यह है कि आप अगर कंप्यूटर साइंस और आईटी की बात कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट किसी भी पर्पस से आप पाइथन को यूज कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है इंटरप्रेटेड। इंटरप्रेटेड का मतलब ये है कि अगर आप किसी भी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जब लो लेवल में कन्वर्ट करते हैं तो आपको एक कंपाइलर या इंटरप्रेटर की जरूरत पड़ती है। तो अगर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंटरप्रेटर को यूज कर रही तो वो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज कहलाती है। तो पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। नेक्स्ट है इंटरैक्टिव। इंटरैक्टिव है इन द सेंस वी कैन सी द फ्लो ऑफ डेटा फ्रॉम टॉप टू बॉटम, मतलब हम अगर किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करा रहे हैं और साथ ही साथ अगर हम इंटरैक्टिव मोड में उस कोड को रन कराना चाहते हैं, मतलब हम कुछ इनपुट दें वो कुछ आउटपुट दें इस तरीके से, तो हम इंटरैक्टिव मोड में भी पाइथन को रन करा सकते हैं। नेक्स्ट है पाइथन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका मतलब कि कुछ ऐसे बहुत ही बढ़िया फीचर होते हैं ऑब्जेक्ट जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को फॉलो करती है, उसके हमारे हमारे पास कुछ एडवांटेज होते हैं जिनको यूज करके हम बहुत ही इफिशियंट वे में कोड को लिख सकते हैं, और साथ ही साथ कुछ जो टास्क होते हैं उनको बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट है पाइथन एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मतलब कि जो भी हम कोड लिखेंगे हमें जरूरी नहीं है कि हमें जो मशीन लेवल कोड की जानकारी हो, हम हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सारे कोड को लिख सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि आखिर कंप्यूटर साइंस में कहाँ कहाँ यूज होती है पाइथन। तो पाइथन का यूज वेब डेवलपमेंट में भी होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी होता है, मशीन लर्निंग में भी होता है, आईओटी, डेटा एनालिसिस, ऐप डेवलपमेंट, गेम डेवलपमेंट, डेटा साइंस और भी बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं, इवन साइंटिफिक टास्क में भी पाइथन यूज होती है। तो बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं जिसमें पाइथन का यूज होना ही होना है। तो आप अगर कि हमें इसमें जॉब लेनी है तो लगभग हर एक एरिया में पाइथन का यूज है। जैसे वेब डेवलपमेंट में जब आप जाते हो तो आपके पास एक जेंगो फ्रेमवर्क अवेलेबल है, साथ ही साथ एक फ्लास्क है जो कि पाइथन के थ्रू, जिसमें पाइथन के थ्रू कोडिंग की जाती है। उसी तरीके से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए आप जा सकते हो टीके इंटर और कीवी, कई सारी लाइब्रेरीज हैं। आईओटी, डेटा एनालिसिस, अभी हम लोग इन सब की लाइब्रेरी के बारे में आगे चल के बात करेंगे, लेकिन अभी बस इतना जानते हैं कि पाइथन का यूज ऑलमोस्ट हर एक एरिया में, चाहे वो कंप्यूटर साइंस हो, इवन कंप्यूटर साइंस हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, सिविल हो, मैकेनिकल हो, लगभग हर एक एरिया में पाइथन का यूज होता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ फीचर हम देखते हैं कि आखिर पाइथन इतना फेमस क्यों है और क्या एडवांटेज है पाइथन के, क्या एडवांटेज है पाइथन के कि वो अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से अलग है। जैसे पाइथन इजी टू लर्न एंड अंडरस्टैंड, मतलब इसके जो सिंटैक्स होते हैं, पाइथन के जो सिंटैक्स होते हैं वो बहुत ही सिंपल वे में लिखे जाते हैं, सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। अगर लाइक जावा में अगर कर हमें सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है, सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, आपकी वॉइस कट कट के आ रही है सर। हेलो, अब आ रही है आवाज? यस सर, नाउ विजिबल। यस सर, यस सर, आई हैव यू। हेलो, प्लीज कंटिन्यू सर। जी जी सर, कंटिन्यू सर। तो पाइथन को पढ़ना काफी आसान है, ये एक तरीके की जैसे आप
इसी तरीके से पाइथन में भी आपको सिंगल एक लाइन लिखनी होती है, I equals to J plus K, इस तरीके से। जबकि दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप पहले डिफाइन करते हो आई का वो डेटा टाइप क्या होगा, जे का क्या होगा, के का क्या होगा, फिर उसके लिए आप प्रिंट लिखते हो, सॉरी स्कैन लिखते हो, इस तरीके से सारी चीजें लिखते हो। जबकि पाइथन में क्या है, सिर्फ एक लाइन में आप सारा कोड लिख सकते हो। नेक्स्ट है ब्रॉड स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। पाइथन पाइथन में ऑलमोस्ट सॉरी लगभग हर एरिया के लिए पाइथन में लाइब्रेरी अवेलेबल है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप वेब डेवलपमेंट के लिए जा रहे हो तो वहां पर लाइब्रेरी अलग अवेलेबल है, अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए जा रहे हो तो वहां पर लाइब्रेरी अलग अलग अवेलेबल है। सर वॉइस इज नॉट गेटिंग क्लियर सर। एनालिसिस के लिए अलग, तो लग एम आई ऑडिबल नाउ? हेलो पाइथन में लगभग हर एक एरिया के लिए लाइब्रेरी अवेलेबल है। एक लाइब्रेरी अवेलेबल होगी, आपको स्क्रैच से कोड लिखने की जरूरत नहीं होगी, जिस वजह से हमारा बहुत सारा टाइम जो है बच जाता है स्क्रैच से कोड करने के लिए। हम लोग डायरेक्टली लाइब्रेरी को इंपोर्ट करके अपने कोड को आगे लिख सकते हैं। नेक्स्ट ओपन सोर्स, किसी को पे नहीं करना है पाइथन को यूज करने के लिए। जबकि कुछ ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं जिनको यूज करने के लिए आपको पे करना होता है, जैसे सी शार्प, जे शार्प, एफ शार्प, वीबी, ये सब सारी लैंग्वेजेस क्या है, पेड हैं। इसको अगर आप इसका यूज करके अगर आप प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उस केस में आपको पे करना होगा। जबकि पाइथन को यूज करके अगर आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो केस में आपको पे नहीं करना होगा, जिस वजह से क्योंकि उसके लिए उनको पे नहीं करना पड़ता है। जब भी वो कोड लिखते हैं तो उसके लिए उनको पे नहीं करना होता है। नेक्स्ट इंटरैक्ट आया अभी इससे पहले कि आप इंटरैक्टिव वे में भी आप पाइथन को लिख सकते हैं, मतलब अगर आपको इनपुट कुछ देना है उनको रन करा सकते हो। नेक्स्ट है टेबल, के कॉन्फ़िगरेशन पे रन कर सकती है, चाहे वो कॉन्फ़िगरेशन i5 हो, i3 हो, या फिर साथ हम पाइथन को किसी भी कॉन्फ़िगरेटिंग सिस्टम ही कोई भी हो, चाहे वो मैक ओएस हो या फिर विंडोज हो या फिर लिनक्स हो, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे हम पाइथन को रन करा सकते हैं। जैसा और कुछ ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी होती है जो कि प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होती है, हर एक प्लेटफॉर्म पे वो रन नहीं करती है, लेकिन पाइथन के साथ क्या है, किसी भी प्लेटफॉर्म ऑलमोस्ट किसी भी प्लेटफॉर्म के पे उसको रन कराया जा सकता है। नेक्स्ट है हम अपने कोड में एक्सटेंड कर सकते हैं, जिस वजह से हमारा काफी सारा टाइम बच जाता है। इवन अगर पाइथन में वो लाइब्रेरी नहीं अवेलेबल है उस केस में भी हम दूसरी लैंग्वेज में लिखे हुए कोड को भी अपने कोड में एक्सटेंड कर सकते हैं। अनस्ट्रक्चर्ड हो, स्ट्रक्चर्ड हो, हर तरीके के डेटाबेस को पाइथन सपोर्ट करता है, चाहे एसक्यूएल हो, चाहे हाना हो, चाहे DB2 हो, या MongoDB हो, या Oracle हो, हर तरीके के डेटाबेस के लिए पाइथन में लाइब्रेरी अवेलेबल है। आप डायरेक्टली उन लाइब्रेरी को इम्पोर्ट करके डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हो। नेक्स्ट पाइथन में आप GUI कोड भी लिख सकते हो, मतलब किसी भी तरीके के GUI को शो करने के लिए आप कोड लिख सकते हो। उसके लिए बहुत सारी लाइब्रेरी अवेलेबल है पाइथन में, जैसे फ्रॉग है, कीवी है, TKInter है, QtPy है, कई सारी लाइब्रेरी है। आपको कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप करना है तो आप पाइथन में कोड लिख सकते हो काफी आराम से, जिसमें आपको बहुत छोटे छोटे कोड लिखने होते हैं GUI क्रिएट करने के लिए। जबकि आप C++ या जावा में जब किसी GUI प्रोग्राम का कोड लिखते हैं तो वो इन कंपैरिजन टू पाइथन बहुत बड़ा होता है। अगर पाइथन में वो चीज 10 लाइन में लिखी है तो वो सी या जावा में आपको 100 लाइन की लिखनी हो सकती है, तो इसमें कोड करना काफी आसान होता है। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पाइथन, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है।
जैसा कि मैंने बताया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में ऑब्जेक्ट और क्लास के साथ डील करते हैं और काफी सारे फीचर होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, जिससे हम बहुत सारे टास्क बहुत ही सिंपल वे में परफॉर्म करते हैं। पाइथन को एज ए स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी यूज कर सकते हैं। और सबसे जो बेहतरीन फीचर है पाइथन का कि ये सपोर्ट करता है डायनेमिक डेटा टाइप और टाइप चेकिंग को। मतलब जब हमारा पाइथन का कोड जब रन करता है, रन करते समय हर एक वेरिएबल का डेटा टाइप डिफाइन होता है, ना कि कंपाइल टाइम पे। जबकि दूसरी जैसे C++ की अगर बात करते हैं तो उसमें कंपाइल टाइम पे किसी भी वेरिएबल का डेटा टाइप डिफाइन होता है। तो अगर हमने किसी वेरिएबल का डेटा टाइप पहले डिफाइन कर दिया है तो उस वेरिएबल में हम कोई दूसरा डेटा टाइप नहीं डाल सकते, जबकि पाइथन में आप पाइथन में इस तरह के कोई डिक्लेरेशन नहीं होता। किसी भी समय रन टाइम पे भी किसी भी समय आप कोई भी वेरिएबल में कोई भी डेटा टाइप को इंसर्ट करा सकते हो। इट सपोर्ट ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्टर मेमोरी इफिशियंट बनाने के लिए। एक तो पाइथन में हीप यूज होता है और साथ ही साथ इसमें एक ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्टर होता है, ताकि जो मेमोरी हमारी अनयूज्ड हो जाएगी उसको वो ऑटोमेटिकली फ्री करता रहता है, खाली करता रहता है, ताकि दूसरे कोड को हम एग्जीक्यूट आसानी से करा सके। नेक्स्ट है लेस लाइन ऑफ कोड। हम मिनिमम लाइन ऑफ कोड के साथ बड़े बड़े टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे अगर किसी सपोज किसी स्ट्रिंग में कोई सब स्ट्रिंग फाइंड आउट करनी है, अगर इसका कोड हम अगर C++ में लिखते हैं तो मेरे ख्याल से 15-20 लाइन से कम का कोड नहीं होगा, जबकि पाइथन में सिर्फ एक सिंगल लाइन का कोड है। इन ऑपरेटर का यूज करके हम एक लाइन में, ठीक है, तो मिनिमम लाइन ऑफ कोड के साथ आप बड़े बड़े टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। तो करने के लिए ऑलरेडी पाइथन में ऑपरेटर दे दिए गए हैं या फंक्शन, इनबिल्ट फंक्शन दे दिए गए हैं, जिनको हम यूज करके बड़े बड़े टास्क को एक सिंगल लाइन में एग्जीक्यूट करा परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं पाइथन की अवेलेबिलिटी। पाइथन मैंने बताया कि एक पोर्टेबल लैंग्वेज है और लगभग हर एक प्लेटफॉर्म पे ये अवेलेबल है, चाहे वो लिनक्स हो, यूनिक्स हो, विंडोज का कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, मैक ओएस हो, डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम हो, या किसी भी तरीके का कोई भी प्लेटफॉर्म हो, लगभग हर एक प्लेटफॉर्म पे पाइथन रन करता है। इवन एंड्रॉयड पे भी अब पाइथन को आप रन करा सकते हो। ठीक है, तो लगभग हर एक प्लेटफॉर्म पे पाइथन की अवेलेबिलिटी है। तो मैक्सिमम कंपनियां, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कोई कंपनी लिनक्स पे काम कर रही, कोई विंडोज पे काम कर रही, कोई मैक ओएस पे, तो ये बाउंडेशन नहीं होनी चाहिए लैंग्वेज के साथ कि अब अगर हम मैक ओएस यूज कर रहे हैं तो अब हम पाइथन का यूज कर पाएंगे कि नहीं। सपोज कुछ दिनों बाद उसने स्विच किया अपने प्लेटफॉर्म को विंडोज में, अब उसे सोचना पड़ेगा कि हमारे जो पुराने कोड थे वो क्या अब इस प्लेटफॉर्म पे रन करेंगे कि नहीं करेंगे। तो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम पाइथन के साथ नहीं होती है, हर एक लगभग लगभग हर एक प्लेटफॉर्म पे पाइथन रन करती है। तो जिस वजह से कंपनियों को सोचना नहीं पड़ता है कि क्या हम पाइथन के साथ मूव ऑन करें या ना करें। ठीक है, तो लगभग हर एक प्लेटफॉर्म पे आप पाइथन को रन करा सकते हो। अब बात करते हैं कुछ सी एस आई टी के जो फील्ड्स हैं उनमें क्या क्या चीजें पाइथन में पढ़नी चाहिए, कौन कौन सी लाइब्रेरी पढ़नी चाहिए। जैसे अगर आप डेटा साइंस की बात करते हो तो डेटा साइंस एक बहुत बड़ा एरिया है, इसके लिए बहुत सारी लाइब्रेरी हैं। आपको चूज करना पड़ेगा कि डेटा साइंस में आप किस तरफ मूव कर रहे हो, उसके लिए क्या क्या लाइब्रेरी है। जैसे अगर डेटा साइंस आप करना चाहते हो तो आपको मशीन लर्निंग भी आनी चाहिए, डीप लर्निंग भी आनी चाहिए, डेटा एनालिसिस भी आनी चाहिए, फिर डेटाबेस का एक्सेस भी आना चाहिए, कैसे एक्सेस कर सकते हैं, SQL या DB2 Oracle या कुछ भी। तो आपको मशीन लर्निंग के लिए जो लाइब्रेरी यूज होंगी वो भी आपको पता होना चाहिए। तो ये सब सारी चीज आपको पता होनी चाहिए। मेन मेन जैसे लाइब्रेरी है नम पाई, पेंडास, है ना, तो इस तरीके की लाइब्रेरीज हैं जिनको आप यूज कर सकते हो डेटा, अगर आप डेटा साइंस की तरफ मूव कर रहे हो। लेकिन एक बहुत आपका आवाज ठीक है, तो उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए आप ओके। हेलो हेलो हाँ हेलो हेलो अब ठीक है सर,
जी 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 ठीक है जी अब ठीक है सर जी सर तो मैं ये कह रहा था कि लर्निंग की तरफ आप मूव करते हो तो उसमें भी बहुत सारी लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं जैसे एस्केलन सीबॉन साईपाई सॉरी स्पेसी इस तरह की बहुत सारी लाइब्रेरी अवेलेबल हैं जिनको यूज करके आप मशीन लर्निंग पूरा पूरा आप लिख सकते हो बस उसमें आपको डेटा प्री प्रोसेसिंग करनी होती है मॉडल क्रिएट करना होता है फिट करना होता है और प्रेडिक्शन बस कुछ ही लाइन के कोड में आप बड़े बड़े टास्क को परफॉर्म कर सकते हो इसी तरीके से नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में जब आप आगे बढ़ते हो तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में भी एनएलटीके लाइब्रेरी है एनएलटीके लाइब्रेरी का यूज कर सकते हो जेनसिम लाइब्रेरी है जेनसिम लाइब्रेरी का यूज कर सकते हो उसी तरीके से आपका इवन स्पेसी भी उसमें आता है स्पेसी का यूज करके भी आप कई सारे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के टास्क को नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के लिए आप अभी इस समय जो वाला एरिया है वो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग मशीन लर्निंग डेटा साइंस यही सब है तो इन सब लाइब्रेरीज को सीखने के लिए मतलब ज्यादा एफर्ट करने की आपको जरूरत नहीं है ये सारे टास्क अगर आप जावा में परफॉर्म करते तो ये बहुत ही बड़ा हेडेक है क्योंकि उसमें बहुत सारा कोड लिखना मान के चलिए अनप्रेडिक्टेबल है इसको आप जल्दी सर आवाज ठीक से नहीं आ रही है सर मुकुल सर आपकी वॉइस बहुत मतलब ब्रेक हो रहा है सर हेलो नहीं कर सकते मुकुल सर आपकी वॉइस आप बहुत ब्रेक हो रही है सर कि, क्या हेलो मुकुल सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है सर हाँ बिल्कुल एक नेट का इश्यू है कुछ संजीव सर हाँ सर तो एक्चुअली मैं दो वर्ड बच्चों को मैं सर दो वर्ड बच्चों को मैं बात कर लूँ सर हेलो बिल्कुल बिल्कुल हेलो एवरीवन मैं संजीव रावत आप लोगों को बस इतना मैं कहना चाहूंगा कि हाइपेक्स टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड ड्यू टू नेटवर्क इश्यूज मुकुल सर सही से अपनी बात को रख नहीं पा रहे हैं और अपने साइड से पूरी कोशिश कर रहे हैं बट ड्यू टू नेटवर्क इश्यूज के कारण जो आप लोगों को वॉइस जो है वो क्लियर आ नहीं पा रही है और आप लोग सही से उस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज वो बता रहे थे बट नेटवर्क प्रॉब्लम है तो टेक्निकल एरर है इसको हम लोग आगे नेक्स्ट टाइम इसको सही करते हैं मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोग को ये बताना चाह रहा था कि जो हाइपेक्स टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड है हम लोग जितने भी सीएस के स्टूडेंट जितने हैं अभी वेबिनार में एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने स्टूडेंट हैं मैं उन और आईटी के अगर हैं तो उन सबको मैं इतना कहना चाहूंगा कि पाइथन आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पाइथन से रिलेटेड जितनी भी कंपनियां हैं जिनके साथ हम लोग काम कर रहे हैं एज ए हाइपेक्स टेक्नोलॉजी हमारे साथ में ऑलमोस्ट आप ये समझ लीजिए कि अराउंड 150-150 से अबव जो एमएनसीज कंपनी है जो बेंगलुरु हैदराबाद गुड़गांव पुणे वहां पे वर्क कर रही है ओके तो अपॉर्चुनिटी आपके लिए बहुत है एंड वी आर हेयर टू हेल्प यू ऑलवेज आप जब कहें हम तब आपको हेल्प करने के लिए तैयार है बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो चीजें हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे कंपनी आपको प्लेसमेंट तभी करेगी जब आपके अंदर वो चीजें कैपेबिलिटी होनी चाहिए राइट दैट मींस फॉर एग्जांपल अगर कोई कंपनी अगर सॉफ्टवेयर डेवलपर की अगर उनके यहाँ हायरिंग है और वो लैंग्वेज जो है वो पाइथन अगर रखे हुए हैं क्योंकि मोस्टली अगर नंबर ऑफ अगर बात करें तो पाइथन का ज्यादा रिक्वायरमेंट है मार्केट में एज कम्पेयर टू अदर बाकी सबका है पर जब हम पर्टिकुलर किसी पाइथन की बात करते हैं तो जो ऑप्शन है ना वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू अदर तो इसी के लिए अभी जो हम लोग एक प्लेसमेंट ड्राइव कराने जा रहे हैं अपेक्स टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड वी आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज वन प्लेसमेंट ड्राइव इन केएनएस गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज समस्तीपुर एंड हमें आपके कॉलेज भागलपुर पॉलिटेक्निक कॉलेज और के जो बच्चे से कुछ जो हमारा इंस्ट्रक्शन हुआ जो भी हमारे उनसे बात हुई देन हम लोग ये चाहते हैं कि आप लोगों को भी वो अपॉर्चुनिटी मिले कि आप लोग भी
मतलब कि जो प्लेसमेंट ड्राइव है उसमें आए, आप लोगों को जॉब मिले। देखिए अभी जो समस्तीपुर पॉलिटेक्निक कॉलेज में जो प्लेसमेंट ड्राइव होगा उसमें आप लोग आते हैं कि नहीं आते, ये तो फ्यूचर की बात है, ओके। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि एज अ डायरेक्टर ऑफ दिस कंपनी मैं ये 100% आप लोग को स्वेयर कर रहा हूँ कि अगर आप लोग के पास नॉलेज है तो आपको अपॉर्चुनिटी जरूर मिलेगा विद इन अ मंथ, विद इन अ टू मंथ, ठीक है, तीन मंथ के अंदर में, दो ढाई मंथ के अंदर में हम लोग आपके यहाँ, क्योंकि हमारी बात जो है ऑलरेडी आपके जो कॉलेज से कुछ बच्चों से प्रोफेसर से हमारी बात चल रही है एंड वी आर ऑल्सो ट्राई टू कॉन्टेक्ट विद योर TPO एंड अनदर, जैसे आपके जो प्रिंसिपल सर है उनसे हम लोग कॉन्टेक्ट में है एंड वी आर ट्राई टू कॉन्टेक्ट हिम एंड एज सुन एज पॉसिबल हम आपके कॉलेज में इस तरह के जो भी एक्टिविटीज है वो हम करेंगे, जैसे हम यहाँ पे कर रहे हैं समस्तीपुर पॉलिटेक्निक कॉलेज में, एंड वी आर ऑल्सो गोइंग टू ऑर्गेनाइज सम प्लेसमेंट ड्राइव इन मुजफ्फरपुर, दरभंगा की जो बच्चे हैं उन सबको, आई होप कि आप लोग को उनके बारे में पता होगा, ओके। देखिए आप लोग डिप्लोमा कर रहे हैं और यू नो वेरी वेल कि एज अ डिप्लोमा, जब आप लोग डिप्लोमा जब आप लोग का पॉलिटेक्निक जब आपका कंप्लीट हो जाएगा देन आफ्टर ऑल कुछ बच्चे लेटर एंट्री लेके हायर एजुकेशन दैट मीन्स वो बीटेक करने जाएंगे, कुछ बच्चे जॉब करने जाएंगे जिनको फाइनेंशियल इशूज है, जो अभी से ही कैरियर बनाना चाहते हैं। तो हाईपेक्स टेक्नोलॉजी आपको हर पॉइंट ऑफ व्यू में हेल्प करेगी। इफ यू वॉन्ट टू, अगर आपको आगे पढ़ना है कहीं बीटेक करना है तो भी आप हमारे जितने भी जो एडवाइजर हैं, जितने भी हमारे हमारे संस्था में हमारी कंपनी में जितने भी इंस्ट्रक्टर हैं, फैकल्टी हैं, प्रोफेसर हैं, सभी मतलब मैं आपको बता दूं अप्रोक्स 20-20 साल का जिनका वर्क एक्सपीरियंस, वैसे वैसे लोग यहाँ पे जो पर्सन है वो यहाँ अपने इंस्टीट्यूट में है हमारी कंपनी में, जो बच्चों को ट्रेन करते हैं, जो फेसबुक से है, माइक्रोसॉफ्ट से है, दे हैव अ मतलब ह्यूज वर्क एक्सपीरियंस उनके फील्ड के। जैसे फॉर एग्जाम्पल CS के बच्चे, इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चों को मैं बता दूं कि आप लोग और IT के बच्चों को ये सबका ड्रीम होता है, ओके। वॉइस क्लियर आ रही है कुछ बच्चों का मैसेज? हेलो, क्लियर क्लियर, ओके ओके ओके, नाउ आई एम कंटिन्यू। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप लोगों को जॉब करना है, राइट, अभी या बाद में भी, ठीक है, अभी करना है या आफ्टर डिप्लोमा या आफ्टर बीटेक, जब भी करोगे तो आपके अंदर वो कैपेबिलिटी होना चाहिए, आपको नॉलेज होना चाहिए। कोई कंपनी आपको हायर करेगी तभी जब आपके अंदर वो चीजें होगा। देखो मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, ये वेबिनार मोस्टली इसीलिए था कि आप लोगों को एक रास्ता दिखाना कि आप लोगों को क्या करना चाहिए जिससे कि आगे चल के आपका फ्यूचर ब्राइट हो, ठीक है। मैं बता दूं एज अ हैपेक्स टेक्नोलॉजी मैं आपको इस चीज का 110% मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि हमारे साइड से जो हेल्प आपके लिए होगा हम लोग और हमेशा आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। कंपनी आएगी, प्लेसमेंट भी होगा और डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल आपके बैच में अगर 60 बच्चे हैं तो ऐसा कोई कंफर्म नहीं है कि 60 के 60 जो है वो मल्टी टैलेंटेड होंगे, उसमें कुछ बच्चे अच्छे होंगे जो मेहनती होंगे, कुछ बच्चे एवरेज होंगे, कुछ बच्चे जो होंगे वो उतना कंसिडर नहीं करते होंगे, सोचते हैं चलो डिप्लोमा हो जाए बस दैट्स ऑल। तो मैं बताऊं उन बच्चों को, सारे बच्चों को मैं कहना चाहूँगा, किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा या मैं किसी को ये नहीं बता रहा या मैं कोई पर्टिकुलर ये नहीं बांट रहा कि आपका सेक्शन नहीं बांट रहा, मैं सबको पर्टिकुलर इंडिविजुअली मैं सबको बताना चाहता हूं कि देखिए आपको कुछ सीखना होगा। पाइथन जो है आपके कॉलेज में, चाहे आपके हमारे बिहार में जो बोर्ड है या एक्टिव की बात कीजिए, वहां पाइथन अब जाकर के आप लोग के डिप्लोमा में सबको इंडिविजुअली एक एक ब्रांच में ऐड किया गया है। और जब आप बात करेंगे अदर स्टेट में, फॉर एग्जांपल यूपी हो गया, दिल्ली हो गया, राजस्थान हो गया, पंजाब है, बेंगलुरु है, हैदराबाद है, तो वहां उस अगर तेलंगाना, उन सबको आप देखिएगा वहां पे, तो ये सारी चीजें बहुत पहले से चल रहा है। अभी आप डिप्लोमा कर लीजिए, बीटेक कर लीजिए और आप बेंगलोर जाइए किसी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए, तो वहां का HR आपसे ये नहीं पूछेगा कि सर वहां का जो रिक्रूटर, जो फाइनल जो HR होंगे या जो भी है इंटरव्यू में, वो ये नहीं पूछेगा कि आप बिहार से आए तो चलो आपके में पाइथन नहीं था तो हम आपसे पाइथन नहीं पूछेंगे। HR के लिए एवरी कैंडिडेट आर इक्वल, डजंट मैटर आप बिहार से आए, आप यूपी से आए या आप बेंगलोर से हैं, उनको तो क्वालिटी चाहिए, उनको जो प्लेटफॉर्म, जिस प्लेटफॉर्म पे वो वर्क करवाने वाले हैं उसके बारे में आपको नॉलेज है कि नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज वो है उनके लिए। उनको ये नहीं मतलब कि आप बिहार से हैं, आपका आप कौन से मतलब कि कम्युनिटी से हैं, डजंट मैटर, उनको तो बस प्रोडक्ट चाहिए आपके, मतलब अंदर एक ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जिसमें क्वालिटी हो, समझ रहे हैं।
तो मैं बताऊं अभी जो कंपनी आने वाली है Apex टेक्नोलॉजी, जो कंपनी अभी KNS गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में अभी हम लोग जो प्लेसमेंट ड्राइव हो रही है, एंड वी आर ऑल्सो प्लानिंग की ऐसे बहुत सारे जो कंपनी है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारा ऑफिस जो मुजफ्फरपुर में वी आर गोइंग टू मतलब कि एज सून एज पॉसिबल हम लोग वहां पे एक प्लेसमेंट ड्राइव कराएंगे, एंड जो पूल प्लेसमेंट ड्राइव होगा जिसमें ऑलमोस्ट 10 से 12 कंपनी रहेगी. ओके, एंड इंडिविजुअली जैसे अभी समस्तीपुर पॉलिटेक्निक कॉलेज में पीछे हम लोगों ने 28 तारीख को एक मैकेनिकल के बच्चों के लिए प्लेसमेंट ड्राइव हुआ था, एंड वी आर ऑल्सो गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ प्लेसमेंट ड्राइव फॉर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट. ओके, और तो ऐसा क्या है कि अपने को कोई भी कंपनी आएगी उससे पहले अपने को तैयार ही करना होगा, आप लोगों को भी पढ़ना होगा. हम लोग आप लोग को इतना बताएंगे कि हाँ देखो ये कंपनी है, इस कंपनी का ये वर्क है, और इस कंपनी अगर ये वर्क है तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन हो सकता है, ये सेक्शन है जो आपको करना होगा, तैयारी करना होगा, पढ़ना होगा. कंपनी आ जाएगी और हम लोग का जो एक विजन है, कंपनी तो आएगी बट आप लोग का प्लेसमेंट होगा तभी तो हम लोग को सक्सेस हम लोग होंगे. कि हम लोगों ने अगर कंपनी लाए, अगर कॉलेज में वहां के बच्चों को जॉब मिला, जब जॉब ही नहीं मिलेगा तो फिर अपना जो ड्रीम है वो पूरा नहीं हुआ. ठीक है, तो उसमें अब आपके अंदर जो कमियां है उसको आपको देखना होगा, आपको एनालाइज करना होगा खुद को. आज न कल आप लोग वो चीज एनालाइज करेंगे 110% करेंगे जिनको ये इस फील्ड में आना है. इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चों को मैं कहना चाहूंगा कि देखिए सीएस और इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी के बच्चे, आप कभी भी सिविल मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के बच्चों से खुद को कम मत आकिए. सिविल या मैकेनिकल, अपने बिहार में जो मेंटालिटी है ना उस पे मत जाइए. यहाँ मैकेनिकल सिविल को ज्यादा लोग तवज्जो देते हैं, बट एज कम्पेयर टू यही बात अगर आप यूपी में जाए या एनसीआर में जाए, तो मैं खुद लखनऊ में मैं ऑलमोस्ट 5 ईयर से इस सेक्टर में हूँ. ऑलमोस्ट हमने बहुत बच्चों का इंटरव्यू लिया है. ठीक है, मैं खुद आपको बता सकता हूँ कि मैकेनिकल के बच्चों को वहाँ वो वैल्यू नहीं है एज कम्पेयर टू जो सीएस एंड आईटी के बच्चे हैं. आप लोगों के लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है, 6-6 लाख 8-8 लाख का पैकेज है. सिर्फ अगर आप एक पाइथन जेंगो आप लोग डाटा स्ट्रक्चर जावा विद एल्गो और थोड़ा सा इधर एसक्यूएल वगैरह सीख लेते हैं तो 6-6 लाख का पैकेज है बीटेक वाले बच्चों के लिए. अगर आप उसमें अगर जैसे डिप्लोमा है आप लोग अगर आप लोग इस चीज को सीखते हैं तो डेफिनेटली आप लोग को भी पैकेज अच्छा मिलेगा. नहीं मिलेगा एज कम्पेयर टू बीटेक उतना, पर इतना मिलेगा कि आप लोग मैकेनिकल के 2-3 गुना होगा. समझ रहे हैं, इस चीज को समझिए आप लोग. तो एज अ मतलब हम लोग इस फील्ड में हैं और हम बेसिकली मैं खुद बिहार से बिलोंग करता हूं, तो मैं चाहता हूं कि जो चीजें बाहर चल रही है, जो चीजें मार्केट में है, उस चीज से आप लोग रूबरू हो. आप लोग देखे कि अभी ये चल रहा है तो अपने को अगर मार्केट में कंप्लीट करना है, किसी को पीछे छोड़ना है, तो खुद में वो काम वो जो कमी है उसको निखार करके उस पर काम करके उसको अचीव करना है. तो अब जो जो बच्चे हैं मैं एक बार आप लोगों को क्लियर बताना चाहूंगा कि जितने बच्चे इंटरेस्टेड हैं आप लोग पाइथन सीखिए, आप यहां सीखिए, आपको जहां से सीखना आप सीखिए. ठीक है, आप लोग अपने रिज्यूम बिल्डिंग पे काम कीजिए, आप लोग थोड़ा सा हाउ टू गिव इंटरव्यू कैसे देना है उस पर थोड़ा वर्क कीजिए. और क्योंकि आप लोग अभी फ्रेशर है, आपको नॉलेज नहीं है कि कैसे रिक्रूटर किस टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे, तो मैं सिंपल यही बताऊंगा आप लोगों को कि कोई कंपनी अगर आ रही है, कंपनी का नाम आपको पता है तो कंपनी के बारे में पूरा जानकारी लीजिए. कंपनी किस प्रकार के प्रोडक्ट बनाती है, कंपनी का काम क्या है, कंपनी का कब बनी, कंपनी उसके की प्लेयर कितने एम्प्लॉय जो है सबसे इंपॉर्टेंट वो कौन है, उनके फाउंडर कौन है, उसके बारे में सारा इन्फॉर्मेशन लीजिए. आप जो अपने सीवी में जो मेंशन कर रहे हैं, आपने इंटर्नशिप कहाँ से किया है, समर ट्रेनिंग कहाँ से किया, विंटर ट्रेनिंग कहाँ से किया, जो भी चीजें कहाँ कहाँ से किया, वो सारी चीजें उसमें मेंशन की जो आपने किया है, उसके बारे में हर एक चीज का नॉलेज लीजिए. फॉर एग्जाम्पल अगर किसी बच्चों ने अगर उसमें ये मेंशन किया है कि आपने समर ट्रेनिंग सी पे किया है 2-3 महीने का, तो आपको सी आना चाहिए. अगर आपने पाइथन से किया है तो आपको पाइथन आना चाहिए. ठीक है, देखो Apex टेक्नोलॉजी आप लोग को हर पॉइंट पे हेल्प करेगी, बट आपको सिंसियर होना होगा, आपको खुद आगे बढ़ के अपनी फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए आपको खुद आगे बढ़ना पड़ेगा. और आज के डेट में उन्हीं को कोई हेल्प करता है जो खुद आगे बढ़ करके अपने खुद को हेल्प करने के लिए जो खुद तैयार होते हैं उसको फिर अगले पर्सन जो होते हैं वो हेल्प करता है. तो देखो कंपनियां बहुत आएंगी, अभी ऐसा नहीं है कि 22 तारीख को कंपनी आ रही है तो उसमें ही होना है प्लेसमेंट. फ्यूचर में विद इन 3 मंथ आपके भागलपुर पॉलिटेक्निक कॉलेज में भी हम लोग ऑर्गेनाइज कराएंगे. अगर हमारी जो कम्युनिकेशन जो अभी जो बात चल रही है सब
अच्छा रहा तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज प्लेसमेंट ड्राइव इन योर कॉलेज. ओके, इफ योर कॉलेज एंड आपके प्रिंसिपल या टीपीओ सर अगर हमें मतलब कि परमिशन देते हैं तो ओके. बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि हम अगर वहां जाए, कंपनी लेके जाए, कंपनी को वहां से बुलाए, आपको वहां लेकर के जाए, कंपनी को लेकर के आए, और आप लोगों को, आप लोग उस हिसाब से तैयार नहीं हो, और जॉब अगर कंपनी वहां से अगर आप लोगों को पिक नहीं करेगी तो नेक्स्ट टाइम भी वो नहीं आएगी. वो तो ये कहेगी कि हमने वहां गए, हम तो वहां गए थे, वहां बच्चे मिले नहीं अपने को. तो मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि 2-3 महीने आप लोग, 2 महीने है, चीजों को सीखिए. एग्जाम जो अभी होगा आप लोगों का, जो बच्चे अभी हमारा जो बैच चल रहा है, जो बच्चे अभी इनरोल है, आई होप कि कुछ बच्चे इसमें है, इनरोल में से कुछ बच्चे हैं, मैं उन लोगों को कहना चाहूंगा कि जो एग्जाम पीरियड होगा उसमें हम आपको छुट्टी देंगे. ठीक है, जितना दिन आपका एग्जाम होगा पूरा छुट्टी रहेगा, आप उसको हम कवर करेंगे. उसमें भी अगर एग्जाम को कंसिडर करते हुए अगर किसी प्रकार का पाइथन से रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए तो डेफिनेटली हम आपको हेल्प करेंगे. देखिए मैं आप लोग को इतना बताना चाहूंगा कि जो हमारी कंपनी है, हम लोग साइबर सिक्योरिटी, IoT, AI, ML सब पे वो काम करते हैं, VLSI, इस इतने बड़े बड़े सॉफ्टवेयर पे हम लोग काम करते हैं. तो पाइथन, सी और कोई भी पर्टिकुलर कोई भी लैंग्वेज की आप बात कर लीजिए, उस पे तो हमारे पास जितने भी जो इंस्ट्रक्टर हैं, जो अभी मुकुल कृति वर्मा सर है इज फ्रॉम IIT, वो आपको बहुत देखो नेटवर्क इश्यूज के कारण उनकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही थी. अगर आप लोग उनकी उनके क्लास में अगर आप लोग बैठते हैं, देखते हैं चीजों को, तो आपको बहुत मतलब की अच्छा मतलब आप लोगों को फीडबैक आएगा, आप लोग सीखेंगे चीजों को. राइट, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है, जो कंपनी अब आने वाली है, जो जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है, मैं आप लोग से कहना चाहूंगा कि आप लोग अपने पाइथन पे काम कीजिए, अपने बेसिक पे काम कीजिए. आई नो दैट कि आप लोग में बहुत कैपेबिलिटी है, आप लोग एक सिलेक्टेड स्टूडेंट है, आप लोगों ने ना डिप्लोमा का एंट्रेंस एग्जाम दे करके क्लियर करके आफ्टर दैट आप लोग का एडमिशन हुआ है, तो आप लोग ऑलरेडी सिलेक्टेड स्टूडेंट है. जो सिलेक्टेड स्टूडेंट है उनको थोड़ा सा अपने ऊपर कुछ जो है ना पॉलिश करना होगा खुद को. जो मार्केट में जो चीजें चल रही है, अगर फॉर एग्जाम्पल एक मैं एग्जाम्पल दूं आप लोगों को कि जो आपका सिलेबस है और जो मार्केट में जो चीजें चल रही हैं, जो अभी रिक्वायरमेंट है, दोनों में बहुत अंतर है, दे आर फार डिफरेंस बिटवीन बोथ. तो आपको चीजें को अपने अंदर एडॉप्ट करना पड़ेगा, जो अपनी मतलब कि मार्केट में जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से खुद को तैयार करना होगा. ठीक है, तो आप लोग कहीं अगर समर ट्रेनिंग भी करते हैं, विंटर ट्रेनिंग भी करते हैं, तो उसको सीरियसली कीजिए. मैं आपको बताऊं हमारे यहाँ से जो बच्चे ये सारी चीजें करते हैं, हम उनको सर्टिफिकेट जो प्रोवाइड करते हैं, तो उससे पहले हम उनका एक टेस्ट लेते हैं. हमारा हर चीज का एक प्रक्रिया होता है. अगर हमारा 6 महीने का जो कोर्स होता है, जॉब ओरिएंटेड कोर्स, हर 2 महीने हम उनका पहले जो बेसिक होता है सारी चीजें वो कराते हैं. आफ्टर दैट हर 15 दिन पे हम उनका एक टेस्ट लेते हैं, उनका लाइव प्रोजेक्ट पे वर्क कराते हैं, जैसे उनको एक ऐसा फील हो कि वो डायरेक्ट मतलब कि कंपनी में वर्क कर रहे हो, वो इन्वायरमेंट देते हैं. कम्युनिकेशन पे, कम्युनिकेशन स्किल पे वर्क करते हैं. तो ये सारी चीजें बहुत अभी आगे की बात है. मैं सिंपल आप लोग को बस इतना कहना चाहूंगा कि आप लोग चीजों को अच्छे से समझिए, खुद को प्रॉपर तरीके से तैयार कीजिए. जो कंपनी अभी आने वाली है उसके लिए आप लोग को तैयार होना है. जो कमी है उसको दूर कीजिए, अपने अंदर वो सारी चीजें ऐड कीजिए, पाइथन पे वर्क कीजिए. और जो बच्चे सी अगर सीखना सीख रहे हैं या उनको सी पे कमांड है, तो मैं उन बच्चों को कहूंगा कि आप सी पे ही अगर हैं तो नो डाउट आपको सी में दिल लग रहा है, तब सी ही कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, हाँ, बट पाइथन का रिक्वायरमेंट एज कम्पेयर टू अदर लैंग्वेज मार्केट में ज्यादा है, वैकेंसी, नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा है, लोग ज्यादा यूज करते हैं. ओके, मैं ये नहीं कहूंगा कि सी खराब है या C++ या जावा, नहीं, सब लैंग्वेज अपने जगह पे परफेक्ट है, बट उन सब में बात करोगे आप तो पाइथन नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट है. ओके, जो चीजें आप जावा में 10 लाइन में, जैसे सर ने बताए, सर अभी बताएं कि अगर आप 100 लाइन लिखते हो, वही चीजें आप पाइथन में 2-3 लाइन 4 लाइन लिख के आप कोडिंग कर सकते हो. पाइथन में आपको लाइब्रेरी है कि कहीं कुछ अगर आपको हेल्प चाहिए तो वो वहां से आपको मिल जाएगा. इजी है, इजी टू लर्न है, आपको मतलब इजी होगा उसको सीखने में. ठीक है, मैं अभी आप लोगों को एक पर्सन है हमारे छोटे भाई है, ब्रदर है, जो आप लोगों के ही जैसे, वो भी डिप्लोमा से ही डिप्लोमा किए हैं गवर्नमेंट दरभंगा पॉलिटेक्निक कॉलेज से.
After that, वो बीटेक किए and now he is working in as a data analytics in ICICI bank और upcoming वो abroad भी जाने वाले हैं. तो जो भी चीजें वो अपना experience आप लोग को share करेंगे कि आप लोग कैसे अपने खुद के अंदर जो कमी उसको कैसे दूर करेंगे. ये मेरे जो भाई साहब हैं ये छोटे भाई हैं, मैं आपको बताऊं ये बैंगलोर में जाकर के कोर्स किए. आफ्टर दैट उनको ये अपॉर्चुनिटी या बहुत सारी चीजें उनको मिल रही है. तो आपको सीखना होगा चीजों को. ओके सो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा सचिन प्लीज कंटिन्यू. हेलो एम आई ऑडिबल? Yeah, please continue. Yes, sir. Yeah, thank you. Yeah. Yes. Hello, everyone. I'm Sachin. Just to keep it in simple way, as Mukul sir and Ajay sir has follow, I also will go with the Hindi only. So, मैं सचिन कुमार हूँ. मैं भी जैसे भैया ने बताया, मैं दरभंगा पॉलिटेक्निक कॉलेज से डिप्लोमा किया था. और राजेश सर अभी जो हमारे अभी फैकल्टी के लीडर हैं, वो हमारे सीनियर रहा करते थे. उसके बाद मैंने दरभंगा से इंजीनियरिंग की, पोस्ट इंजीनियरिंग जैसे भैया ने बताया, मैंने ट्रेनिंग ली एंड ट्रेनिंग होने के बाद अभी मैं आईसीआईसीआई में एज अ डेटा एनालिस्ट वर्क कर रहा हूँ. डेटा एनालिस्ट वर्क करते हुए मुझे 3.5 साल ऑलमोस्ट हो चुके हैं. मेरा जो अभी एक्सपीरियंस है, वाई ही हैज ज्वाइंड मी, मीन्स आई एम नॉट एक्चुअली द पार्ट ऑफ द आईपीएस टेक्नोलॉजी, बट वाई ही ज्वाइंड मी, जस्ट टू कम्युनिकेट विथ यू ऑल गाइज. एंड वो एक्सपीरियंस जो मैं मीन्स एक्सपीरियंस किया अपने लर्निंग के वक्त और अभी काम करते हुए, ये मुझे शेयर करने के लिए इन्होंने अभी बुलाया है. जिसमें से कुछ चीजें हैं जो आपको समझनी है और अभी अपने दिमाग में डालना है, जस्ट टू फॉलो द कंपनी रूल्स या कह ले कि कैरियर अचीवमेंट गोल जो हम कह सकते हैं एक तरीके से, कि हमें क्या करना है. मुकुल सर सेड वेरी वेल कि आपको क्या करना है. यू शुड बी फर्स्ट मीन्स श्योर क्या करना है आपको. वाई पाइथन, क्यों जावा ही, क्यों SQL या जो भी आपके ब्रांच है. बेसिकली आई एम फ्रॉम कंप्यूटर साइंस. सो मैं मेरे जो प्रोफाइल है वो भी डेटा एनालिस्ट है. तो मेरा जो भी एक्सपीरियंस है ये इसी के अराउंड रहेगा जो मैं कम्युनिकेट करने जा रहा हूँ अभी. तो 3.5 साल 4 साल मुझे काम करते हुए हो गए एज अ डेटा एनालिस्ट. तो बेसिकली मेरा यहाँ काम होता है SAS पे एंड SQL पे. SQL हमारे यहाँ पढ़ाया जाता है पॉलिटेक्निक कॉलेज में एंड आई थिंक यहाँ पे जितने भी अभी ज्वाइंड हैं वो सभी को, उन सभी को पता है SQL बहुत ही इंपॉर्टेंट है. स्ट्रक्चर लेवल, क्वेरी लेवल लैंग्वेज जो है बहुत ही जरूरी है और सभी को सीखना चाहिए. फिर एक SAS, SAS भी एक एनालिटिक टूल है और साथ साथ ये आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करती है जहाँ पे कंपनियां जो है एनालिसिस करती है, रिपोर्ट जनरेट करती है और मल्टीपल्स वर्क होते हैं यहाँ उसके अलावा भी उस पर. पर वो पेड वर्जन है. SQL और SAS इन दोनों का कॉम्बिनेशन हमारे प्रोफाइल में यूज होता है जस्ट टू डू आवर जॉब. और एक पाइथन है. पाइथन एक सिंगल सॉफ्टवेयर है या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो आपको दोनों फैसिलिटी प्रोवाइड करती है. SAS के लिए हमें पे करना होता है बट पाइथन के लिए हमें पे नहीं करना पड़ता है. ये ओपन सोर्स है. जैसे मुकुल सर ने भी कहा ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, आप कहीं भी से रन कर लीजिए. इसके प्लेटफॉर्म का जो रिक्वायरमेंट है, सिस्टम रिक्वायरमेंट, जैसे एक पावर बीआई एक एप्लीकेशन है, उसके इंस्टॉलेशन के लिए आपको मिनिमम 8 GB रैम और आपका जो ये स्टोरेज कैपेबिलिटी है ये सब ज्यादा चाहिए होता. इसका मिनिमम होता है, जितना मिनिमम हो सकता है ये उसमें रन करेगा और आप इसे एग्जीक्यूट करके लर्निंग पर्पज के लिए तो बेसिकली यूज कर सकते हैं अच्छे से. पाइथन ही क्यों और इससे फायदा और क्या है. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये भी है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अदर्स भी है, पर पाइथन ही क्यों. और यही मल्टीपल कंपनियां 90% और हम कह सकते हैं, अगर मुकुल सर इसमें करेक्ट कर सकते हैं बिकॉज इज फ्रॉम द एक्सपीरियंस गाय, हम कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट सारी कंपनियां पाइथन को प्रिफर करती है. रीजन बिंग, एक तो ये ओपन सोर्स है, ईजी टू लर्न है और इसमें एक्सप्लोर करना ईजी है. एज अ डेवलपर हम लोग एज अ टीम लीडर या फिर एक हेड नहीं जाएंगे, हम लोग बेसिकली फ्रेशर हैं अभी, हम जाएंगे एज अ डेवलपर. डेवलपर को कैसे एक्सप्लोर करना है, कैसे अपना काम जो मिलेगा उसे वो अपना वर्क कैसे फिनिश करना है, ये पाइथन उसे सामने से बताती है. जैसे मुकुल सर ने कहा इजी टू लर्न और भैया ने भी बताया इजी टू लर्न है. सिंटेक्स छोटे होते हैं. हम जब जावा में या SQL में जाते हैं तो बड़े बड़े कोड लिखते हैं, यहाँ पाइथन में अगर हम SQL में गए
2000 लाइन का हम कोड लिखे हैं किसी वर्क को करने के लिए, पाइथन में आप उसको बहुत ही मिनिमम में मे बी अंडर 10 और अंडर 100 आप उस पूरे वर्क को फिनिश कर सकते हैं। पाइथन में आप कोडिंग को अपने लैंग्वेज में देते हैं, जैसे कि सर ने बताया हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज बेसिकली क्या है कि ये जो बोलचाल की भाषा है इंग्लिश, ये इंग्लिश की भाषा में उसके फंक्शंस डिफाइंड है। और यहाँ पे एक फैसिलिटी और है, जैसे सर और भैया ये दोनों बता रहे थे आपको कि लाइब्रेरी, आई थिंक आप लोग फ्रॉम ये इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से तो है ही, साथ कंप्यूटर साइंस और आईटी वाले भी हैं यहाँ पे, तो उनको पता होगा कि लाइब्रेरी क्या है। जो फंक्शंस उसमें ऑलरेडी डाले हुए हैं, थाउजेंड्स ऑफ फंक्शंस ऑलरेडी प्री डिफाइंड फंक्शंस है, आपको केवल उसको कॉल करना है और कॉल करके उसका काम आपको हो जाएगा। आपको उसको डिफाइन नहीं करना है, आपको उसके बारे में कुछ लिखना नहीं है, एक मल्टीपल्स ऑफ इन्वायरमेंट उसके लिए क्रिएट नहीं करना है, आप डायरेक्ट एक सिंगल लाइन कोड से उसको कॉल करके अपना काम फिनिश कर सकते हैं ये। और साथ में आपको वो गाइड भी करता है हाउ टू कॉल, व्हाट आर्गुमेंट यू नीड टू पास, कितनी सारी चीजें साथ में आप और कर सकते हैं रेदर देन जस्ट यूजिंग योर फंक्शन। तो एक तो गाइड करता है ये, दूसरा है इजी टू लर्न एंड इजी टू एक्सप्लोर। एक्चुअली हेल्प सेक्शन होता है इसमें जो आपको बताता है कि आप और क्या क्या इसमें एक्सप्लोर कर सकते हैं और कितनी चीजें इससे अलाइंड है। ओपन सोर्स है, यूज बाय ऑलमोस्ट कंपनी। हम बेसिकली हमारा मोटो होता है जॉब लेना, हम पाइथन को इसलिए प्रिफर करते हैं कि ये हमें एक मल्टीपल मीन्स अपॉर्चुनिटी देता है, हमें एक ओपन मार्केट देता है जहां पे हम हर जगह फिट हो जाए। हमारा मेन पर्पस है कि हम एक ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ स्टिक ना हो जाए जो हमें रिस्ट्रिक्ट करे केवल एक दो या किसी पार्टिकुलर कंपनी में जाने के लिए। हमारा मेन पर्पस होता है कि हम कोई भी एक दो ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या कोई ऐसी स्किल सीख ले जो हर जगह फिट हो। ये एक माइंडसेट भी होना चाहिए कि हम कम काम करके ज्यादा से ज्यादा एक्सपोजर पा सके। तो पाइथन आपको वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, वो ऐसी आपको अपॉर्चुनिटी देता है जो आप एक चीज सीख करके आप मल्टीपल वर्क के लिए या मल्टीपल कंपनी के लिए एलिजिबल होते हैं। जैसे मुकुल सर ने बताया आपको, राजेश सर जी ने भी अपने इंट्रोडक्शन में बताया था कि वेब डेवलपमेंट हो या डेटा एनालिटिक्स हो या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो, मल्टीपल वर्क है जो पाइथन अकेला कर सकता है। तो आप केवल एक चीज के लिए वहां नहीं जाते, अगर पाइथन आप सीखते हैं तो हर जगह फिट होते हैं और हर कंपनी के लिए फिट होते हैं। वहां पे जब आपको इंटर डिपार्टमेंट भी अगर मूव किया जाए तो आप किसी काम को एक्सप्लोर कर सकते हैं, आपकी स्किल्स डेवलप होंगे। तो पाइथन आपको ये अपॉर्चुनिटी देता है। दूसरा है किसी भी काम के लिए इसका यूज हम कर सकते हैं, जितने सारे प्रोफाइल सर ने आपको बताया और राजेश सर ने बताया था। और इसकी बेनिफिट है इनपुट लेना, जैसे कि मैं यहाँ पे डेटा एनालिस्ट का वर्क करता हूँ, हमारे पास डेटा आता है उस पर हम एनालिसिस करते हैं और अपनी फाइंडिंग्स को शेयर करते हैं। उस फाइंडिंग को निकालने के लिए हमारे पास सोर्स ऑफ इनपुट होता है, उस सोर्स ऑफ इनपुट को अगर हम एक्सप्लोर करें, अगर हम इसको और बढ़ा दे, इंक्रीमेंट कर दे उसमें, तो ये पाइथन फैसिलिटी आपको देता है। बहुत सारे एप्लीकेशन ऐसे हैं जो कि रिस्ट्रिक्टेड सोर्स ऑफ इनपुट देता है, दो तीन सोर्स से ही केवल देता है, पाइथन आपको मल्टीपल सोर्स देते हैं। तो वहां पे अगर कोई कंपनी एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे काम कर रही है जहां पे वो HTML का ही डेटा केवल लाएगा तो पाइथन भी वहां काम करेगा। अगर आपको पाइथन आता है तो आप इसलिए वहां पे नहीं मीन्स बाहर हो जाएंगे कि भैया आपको HTML डेटा रीड करने नहीं आता है, पाइथन वो जानता है और आप पाइथन को जानते हैं, तो पाइथन आपको वो अलाउ करेगा, वो आपकी कैपेबिलिटी इनहेंस करेगा कि आप उस डेटा को भी रीड कर सकते हैं और अपने जो भी काम असाइन होंगे आप उसे कर सकते हैं। एंड टू एंड डिलीवरी, इसकी सबसे बड़ी फीचर जो मैंने एक्सपीरियंस किया है अपने काम में, एंड टू एंड डिलीवरी। हम एक डेटा को कनेक्ट करते हैं, हम डेटा को लेकर के रीड करते हैं, उसको मल्टीपल मैनिपुलेशन करते हैं। आई थिंक इस वर्ड से हमारे सारे जो यहाँ पे कनेक्टेड है मीन्स अभी इस सेमिनार में जो है वेबिनार में, वो सभी को पता होगा कि डेटा मैनिपुलेट क्या करते हैं हम लोग। बहुत सारे उसमें मल्टीपल स्टेप्स हैं जहां पे जाकर के हम डेटा को मैनिपुलेट करते हैं, उसको चेंज करते हैं, उसमें अपनी चीजों, अपने वर्क जो हमारा आउटपुट आना चाहिए या जो हमारा पर्पस है उसको गेन करने के लिए हम उसको अपने अकॉर्डिंग ढालते हैं डेटा को। आपको ये पाइथन एबिलिटी देता है कि सिंपल सिंटेक्स को यूज करके जो कि आपकी भाषा में अवेलेबल है वहां, आप उसको कॉल करते हैं और अपने डेटा को अपने अकॉर्डिंग उसको बनाते हैं। और एंड टू एंड डिलीवरी, जैसे कि सर ने एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था SKLearn का, या फिर ये सब लाइब्रेरी है बेसिकली,
मैटप्लॉटलिब भी है या फिर सीबोन करके है, ये सब ग्राफ बनाने के लिए इसमें एक एग्जांपल आपको देता हूँ। मेरे पास एसक्यूएल है जो मैं डेटा फेच करता हूँ और उस पर एनालिसिस करता हूँ, और फिर सैस में जा करके मैं उसी रिपोर्ट, उसी डेटा का एक रिपोर्ट बना करके अपने सीनियर्स को या अपनी कंपनी को या मैनेजमेंट को या गवर्नमेंट को शेयर करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज किया जस्ट टू शेयर द रिपोर्ट। पर जब आप पाइथन में जाते हैं, वो पाइथन आपको वो फैसिलिटी देता है कि वो उसी में आप डेटा को मैनिपुलेट भी करो, अपनी आपके रिसिपिएंट्स होंगे आप उसे शेयर कर दो। तो जब ये फैसिलिटी एक सिंगल प्लेटफॉर्म आपको देगा तो हम दो प्लेटफॉर्म क्यों सीखें, क्यों अपना टाइम पे करें और पैसा पे करें, क्योंकि सीखने के लिए आपको समय और पैसा दोनों पे करना पड़ेगा। हम स्मार्टली वर्क करना चाहते हैं कि एक जगह काम करें, एक ही चीज सीखें और हमारा सारा काम खत्म हो जाए। तो पाइथन आपको वो एबिलिटी देता है कि आप एक जगह बहुत ही इजी वे में छोटा कोड करके अपने सारे काम को फिनिश कर लो। और इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है, जॉब। आज भी जैसे सर भी बता रहे थे और भैया भी बता रहे थे, पाइथन के लिए आप जाकर के किसी भी प्लेटफॉर्म पे, एबीसी कोई भी प्लेटफॉर्म पे जाकर के आप पाइथन के लिए जॉब सर्च कीजिए, आपको हमेशा ये 4 डिजिट में मिलेगा। इतनी सारी इसमें वैकेंसी हमेशा ओपन होती है। तो हम ऐसे प्रोफाइल के लिए, ऐसे सॉफ्टवेयर या पार्टिकुलर स्किल्स के लिए क्यों जाए जहां पे एक या तो ड्यूरेशन में अपॉर्चुनिटी आती है या एक मिनिमम अपॉर्चुनिटी आती है। हम उस प्रोफाइल के लिए या उस एप्लीकेशन के लिए जाएंगे जो हमें हमेशा जॉब दे और जहां पे अपॉर्चुनिटी सबसे ज्यादा हो। तो पाइथन आपको वो एबिलिटी देता है। इसमें जो परफॉर्मेंस है डेटा मैनिपुलेशन का या फिर रिपोर्ट जेनरेट का, ये भी बहुत ही इजी होता है। जब हम किसी और एप्लीकेशन के थ्रू जाते हैं तो वहां पे बहुत सारे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, जैसे कि हम एक बिल्डिंग बनाते हैं वहां पे उसका कंस्ट्रक्शन डिजाइन करते हैं और बनाते हैं, तो बहुत ही वो मीन्स स्किल बेस्ड काम भी हो सकता है या फिर बहुत सारे मल्टीपल कोड लिखने पड़ते हैं। पाइथन में आप बहुत ही सिंपल वे में कुछ चीजें पास करके अपने मन के अकॉर्डिंग रिपोर्ट जनरेट, रिपोर्ट बना सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं और अपने एनालिसिस को फाइनलाइज कर सकते हैं। तो जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूं अभी एज अ डेटा एनालिस्ट, पाइथन मुझे वो फैसिलिटी दे रही है कि मैं बहुत ही कम टाइम पे करके अपने सारे काम को फिनिश कर लूं और बहुत ही इजी वे में। उसके लिए मुझे इंटरनेट पे जाके एक्सप्लोर नहीं करना पड़ेगा, मुझे अपने सीनियर से पूछना नहीं पड़ेगा, क्योंकि पाइथन मुझे सामने से समझा रहा है कि ऐसे इसको काम कर सकते हैं। अब दो तीन चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल द व्हाट एक्सपीरियंस आई हैव शेयर विद यू ऑल। हाँ, एक चीज भैया ने बताया, आई वुड लाइक टू क्लियर, कि पहले आप एक अपना पॉलिटेक्निक या इंजीनियरिंग कीजिएगा, फिर आपको ये एहसास होगा या यू फाइंड दैट कि अब मुझे ये लैंग्वेज सीखनी है क्योंकि इसमें जॉब ज्यादा है। ये बाहर के स्टेट में, क्योंकि मैं अभी तेलंगाना में हूँ, मुझे पता है यहाँ ऑलरेडी ये सारी चीजें पार्ट ऑफ सिलेबस है और आज से नहीं वो पहले से है, वो लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं और उसको एक्सप्लोर कर, इनहेंस कर रहे हैं। हमें अभी सीखना है। अगर आप ये जॉब के पर्पज से पढ़ रहे हैं तो कल होकर के आपका ये मोटो रहेगा कि हम कोई ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख करके अभी निकल ले। अगर आप पाइथन को मिस करते हैं तो आप बाद में सीखना ही पड़ेगा आपको। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आप भाग नहीं सकते इससे। पाइथन अभी वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या एनालिटिक्स में यूज करने किया जाने वाला ये लैंग्वेज है जो हर जगह यूज होता है। तो आप भाग नहीं सकते, आपको ये आज नहीं तो कल सीखना ही होगा। मैंने भी इसको जाकर के सीखा था, फिर जाकर के मुझे मेरा प्लेसमेंट हुआ यहाँ और मैं अगेन अभी इसे और इनहेंस कर रहा हूँ। आपको भी ये सीखना होगा और आपको कल होकर के इनहेंस करना है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप काम तो अपना आराम से इजीली कर सकते हैं। बहुत ही कम चीजें सीख करके भी इसमें आप काम कर सकते हैं। अब कुछ चीजें जो मैं कहना चाह रहा था कि क्यों हाईपेक्स ही क्यों, जो एक प्लेटफॉर्म हाईपेक्स आपको दे रहा है पाइथन के लिए, हाईपेक्स क्यों? इसका सबसे बड़ा जो एज अ स्टूडेंट हम क्या सोचते हैं प्लेसमेंट, हम आप पढ़ रहे हैं जॉब के लिए, अगर कोई कंपनी जो आपके आपके दरवाजे पे या आपके लोकैलिटी में आकर के आपको अपॉर्चुनिटी दे जॉब के लिए, मैं एज ए स्टूडेंट आपको सजेस्ट करूंगा आप उसके साथ जाओ। दूसरा ये एक्सपीरियंस फैकल्टी, अभी जैसे मुकुल सर है, इनके पास
मतलब कि मोर देन 15 इयर्स आई थिंक उनके पास एक्सपीरियंस है कंपनी का, इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस उनके पास है. आपको वो जो चीज बताएंगे, अभी मेरा 3 से 4 साल हुआ है, मैं भी नहीं बता पाऊंगा उतना जितना उनको पता है, और वो ऊपर से नीचे की ओर गए हुए बंदे हैं, तो उनको ये भी पता है कि आप क्या करोगे और आगे जाकर के आप क्या करोगे और आपको क्या क्या सीखना है. जब ये चीजें आपको पता होगी तो आपको खुद अभी खुद को आप ढालोगे, ना कि जब आप किसी कंपनी में प्लेस्ड हो गए फिर आप उस कल्चर को एडॉप्ट करने जाओगे तो बहुत टफ होगा. पर जब वही कोई एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी आपको ये शुरू से बता रहा होता है कि ये क्या होने वाला है, आपको एक क्लियर पिक्चर मिलता है. और जब आपको क्लियर पिक्चर मिलता है, आप अपने एम को प्री डिफाइन कर लेते हैं कि ठीक है मुझे ये करना है. साथ साथ उनका जो एजुकेशन है वो IIT से है, IIT के बारे में हम अच्छे से जानते हैं, तो आपको वो जो पढ़ाएंगे वो कहीं और नहीं मिलेगा, इस चीज की गारंटी है. मिनिमम फी कम से कम, अभी मैं आपको तेलंगाना और बैंगलोर का बताऊं, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं 10 times 5 times फी स्ट्रक्चर अपने बिहार में और भाई जो हाईटेक टेक्नोलॉजी है आपको दे रही है, कम मतलब 5 times 10 times कम. वही चीज कल होकर के आपको सीखोगे, मैक्स टू मैक्स पे करना पड़ेगा, पर ये चीज आपको ऑन द स्पॉट फी कम फी में इतनी सारी चीजों में, साथ साथ इनका जो स्ट्रक्चर है उसमें रिज्यूम बिल्डिंग है, पर्सनालिटी पे वर्क है, इंटरव्यू की जो प्रिपरेशन है उसके लिए है, IIT की फैकल्टी है जो आपको ये बताएगी कि आपको बैठना कैसे, आपको बोलना कैसे और क्यों आपको ऐसे बोलना है. क्योंकि हमें पता है यहाँ पे जितने भी हैं वो सभी सेलेक्टेड है, वो सभी एक एग्जाम को क्वालिफाई करके फिर प्लेस हुए हैं, फिर जाकर के ये ट्रेनिंग ये डिप्लोमा कर रहे हैं, उन्हें ये पता है. बट साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए कि हमें इंटरव्यू कैसे देना है, ये हमें नहीं पता. ये हमें यही फैकल्टी बताएंगे कि आपको कैसे इंटरव्यू देना है, कि आप अपने खुद को नॉलेज को एक्सप्लोर कर पाए, उसको एक्सपीरियंस जो है आपका पढ़ाई का या फिर जो आपने काम किया प्रोजेक्ट किया है उसको कैसे आप ड्राफ्ट करें लैंग्वेज में, कैसे आप बताएं, तो ये आपको बताया जाएगा. असाइनमेंट जो है इनका, इनका जो प्रिपरेशन है इंटरव्यू के लिए या फिर जो इनका क्विज है, जो इनका पढ़ाने का तरीका है, ये आपको पूरी तरीके से बिल्ड करेगा, प्रिपेयर करेगा एक कंपनी में फिट होने के लिए और इंटरव्यू क्रैक करने के लिए. पाइथन प्लस हाईटेक वन ऑफ द बेस्ट चॉइस रहेगा आपके लिए. थैंक यू भैया. आप म्यूट है भैया. मुकुल सर प्लीज कंटिन्यू सर. सचिन जी ने बहुत ही बढ़िया तरीके से सारी चीजें एक्सप्लेन की. अब मुझे नहीं लगता इसके अलावा और भी कुछ कहना चाहिए. फिर भी लास्टली मैं कुछ डेटा शो करना चाहूंगा जो कि शो करता है कि पाइथन की इम्पोर्टेंस क्या है, उसका कंपटीशन क्या है. अब क्योंकि काफी टाइम हो चुका है तो लास्टली मैं बस यही शो करना चाहूंगा कि अभी क्या ट्रेंड चल रहा है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का. एक ग्राफ हमारे सामने सारी चीजें विजिबल होंगी. प्रेजेंटेशन सबको दिख रहा है? हाँ जी सर, दिख रहा है सर, दिख रहा है. तो एक ग्राफ मैं शो कर रहा हूँ जो कि एक वैलिड सोर्स है जिसका नाम है डेटा फ्लायर. आप लोग नेट पे भी जाके सर्च कर सकते हो इस चीज को, है ना, जिसमें वाई एक्सिस में हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और एक्स एक्सिस में हमारी कुछ जॉब्स हैं और साथ ही साथ उनकी कुछ एवरेज सैलरी शो कर रहा है. जिसमें पाइथन में आप देख सकते हो कि जॉब्स कितनी है, 59,000 जॉब्स हैं और एवरेज सैलरी जो $123 वो भी थाउजेंड्स में है, थाउजेंड्स में. यहाँ आप देख सकते हो एक्सिस में लिखा है इन थाउजेंड, 59,000 जॉब्स हैं और $123,000 एटलीस्ट जो एवरेज सैलरी है वो है. अब दूसरी लैंग्वेज की बात कर लेते हैं, जैसे सी. सी में $95,000 और वैकेंसी आप देख रहे हो 11,000 इस तरीके से. अगर आप कोई कॉम्पिटिटर खोज रहे हो इस ग्राफ में पाइथन का, तो पाइथन का कॉम्पिटिटर एक रूबी बन रहा है और एक दूसरा क्या है, स्विफ्ट. तो यहाँ पर कंपटीशन तो है किसको लेके, सैलरी को. लेकिन यहाँ अगर जॉब ओपनिंग आप देख रहे हो तो यहाँ 13,000 ओनली है, यहाँ 17,000, जबकि यहाँ पर 60,000 अराउंड. तो यहाँ पर आपकी सैलरी तो लगभग बराबर लेकिन वैकेंसी यहाँ ज्यादा है. तो आपको किस तरफ मेहनत करनी चाहिए, जहां पर आपको अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिले. जहां अपॉर्चुनिटी कम मिलेगी वहां आप काम नहीं कर पाओगे, मतलब यहाँ वहां कंपटीशन भी ज्यादा होगा, आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उस चीज में जाने के लिए. ठीक है, तो आपको गोल डिसाइड करना है, सारी चीजें गोल डिसाइड करना है कि पहले आपको एक प्रोफाइल चूज करनी कि मुझे इस प्रोफाइल के लिए फ्यूचर में
जाना है, तैयारी करनी है, उस हिसाब से मुझे अब कौन कौन सी चीजें सीखनी है, मुझे सी सीखनी, जावा सीखनी है, पाइथन सीखनी, क्या सीखना है, ये चीज आपको डिसाइड करनी है। फिर उसके बाद आपको उस लैंग्वेज में एडवांस में क्या सीखना है। जैसे आप, मैंने बोला कि डेटा साइंस में जाना है, तो पहले आपको बेसिक सीखना पड़ेगा, बेसिक पाइथन, ठीक है। उसी तरीके से मशीन लर्निंग में भी जाना है तो भी बेसिक पाइथन सीखना होगा, या वेब डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर, पहले बेसिक तो आपको सीखना पड़ेगा। बेसिक सीखने के बाद आपको मूव ऑन करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर एरिया में। जैसे अब बेसिक मैंने सीख ली, फिर उसके बाद मुझे वेब डेवलपमेंट में जाना है तो मैं जेंगो के साथ जाऊंगा या फ्लास्क के साथ जाऊंगा। उसी तरीके से डेटा साइंस में जाना है तो पहले मशीन लर्निंग सीखूंगा, फिर उसके बाद डेटा एनालिसिस भी सीखूंगा, डेटाबेस भी सीखूंगा, हर चीज सीखूंगा उस समय। लेकिन डेटा साइंस में बहुत सारी सैलरी बहुत ज्यादा है, डेटा साइंस में सैलरी इन द सेंस आप 7-8 साल के एक्सपीरियंस में अबाउट 70-80 लाख पर एनम इतना गेन कर सकते हो। लाख पर मतलब 60 लाख रुपए पर ईयर, पर ईयर। ये मुझे, मैं पूरे जिंदगी भर की सैलरी नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ एक साल की सैलरी बता रहा हूँ। एक साल की सैलरी 60 लाख के आसपास हो सकती है, लेकिन वो इतनी आसानी से नहीं मिलने वाला, उसके लिए बहुत मेहनत करनी होती है। उसी तरीके से वेब डेवलपमेंट में जाना है आपको, तो वेब डेवलपमेंट के लिए मैंने बताया जंगो, फ्लास्क। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जाना है तो आपको टीके, इंटर, क्यूटी, पाई, कई सारी लाइब्रेरी सीखनी हो सकती है। आपको बेसिक तो क्लियर करना पड़ेगा, जैसे आपने सी सीखी बेसिक, जावा सीखी बेसिक, उसके बाद जावा एडवांस है, फिर आप वेब डेवलपमेंट में जाते हो, नेटबीन से, ये सब सारी चीजें सीखनी होती है आपको। उसी तरीके से अगर आपको पाइथन में अपना फ्यूचर सिक्योर करना है तो पहले बेसिक सीखनी होगी, फिर उसके बाद आपको उस पर्टिकुलर एरिया में, जिस एरिया में भी आपने सोचा है, आपका इंटरेस्ट किस में है, ये सोचिए। अगर आपको वेबसाइट डेवलप करने में इंटरेस्ट आ रहा है तो आप वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए फिर पाइथन को सीखोगे। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इंटरेस्ट आ रहा है तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए सीखोगे। उसमें आप ये भूल जाओ कि आपको सैलरी कितनी मिलेगी, वेब डेवलपमेंट में कम मिलेगी, ऐसा नहीं सोचना है। आपका इंटरेस्ट उसमें है, आप उसमें चीजें सीखो, जब इंटरेस्ट अच्छा होगा तो उसको उतने अच्छे तरीके से आप सीखोगे और फिर उतने अच्छी सैलरी भी आपको मिलेगी। सैलरी किसी में कम नहीं है, बस ये इतना दिमाग में रखना, हमें जिसमें इंटरेस्ट है हम उसमें आगे बढ़ेंगे, बस जो इंटरेस्ट है उसको हम पूरी तरह 100% के साथ सीखेंगे, 98% या 99% के साथ भी नहीं, 100% के साथ। जब 100% के साथ सीखोगे तो सैलरी भी बहुत अच्छी होगी। मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने सिर्फ सी और पाइथन वगैरह ही सीखी, आज 27-28 लाख में पैकेज है ना। तो ऐसा कुछ नहीं, कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं, लेकिन उन्हें इतनी नॉलेज है सी प्लस प्लस पाइथन में, इतनी नॉलेज है कि उनको कोई हरा नहीं सकता, तो इसीलिए उनको इतनी सैलरी दी जा रही। आप कोई भी टास्क दीजिए वो परफॉर्म करके आपको दे देंगे। आप अपना इंटरेस्ट देखिए, इंटरेस्ट के हिसाब से अपनी जॉब का फील्ड डिसाइड करिए, और उस फील्ड को मतलब उस फील्ड में जाने के लिए आपको क्या क्या चीजें सीखनी है उनकी लिस्टिंग आपको करनी है। उस लिस्ट के, अगर आप लिस्ट नहीं कर पा रहे हो, आप हाइपेक्स को कॉल करो, हाइपेक्स बताएगा आपको कि आपको इस तरीके से इस फील्ड में आगे बढ़ना। करियर काउंसलिंग के लिए हमेशा ओपन है हाइपेक्स, जब आप कॉल करोगे आपकी करियर काउंसलिंग करी जाएगी, उसके लिए कोई समस्या नहीं, हमेशा 24/7 आवर आप कॉल करिए। आप करियर काउंसलिंग, करियर बिल्डिंग में कोई प्रॉब्लम आ रही है आप कॉल करिए, हम लोग आपकी मदद करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बढ़ना है। आपको हमने दिखाया कि जो ट्रेंड है वो क्या चल रहा है, जॉब किसमें ज्यादा है, सैलरी किसमें ज्यादा, हर चीज बताई। बट स्टिल मैं यही कहूंगा, आप अपना इंटरेस्ट पहले देखिए, फिर उस हिसाब से आगे बढ़िए। आप कोई भी एरिया डिसाइड करेंगे, मेरा दावा है उसमें पाइथन आपको मिल जाएगा, कोई भी एरिया आप डिसाइड करो। तो आप सपोज करते हो, सपोज आपने कोई एरिया डिसाइड किया, उसके लिए पाइथन सीख लिया, अगर आप अब मन भटक रहा है, आप किसी और मतलब एरिया में आपका इंटरेस्ट बढ़ रहा है कि नहीं अभी इस एरिया में मुझे जाना है, तो उसमें भी पाइथन आपको मिलेगा। तो यही एक ऐसा सोर्स है जिसको आप सीख के किसी भी एरिया में मूव भी कर सकते हो आगे चल के। जैसे पहले मेरा मन था मशीन लर्निंग सीखने का, तो मैंने मशीन लर्निंग सीख ली। अब मेरा मन होता है डेटा साइंस सीखने का, तो डेटा साइंस ऑलमोस्ट मैं खत्म कर चुका हूँ, सारी चीजें मैं पढ़ चुका हूँ, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मुझे पाइथन आती थी, पाइथन में मशीन लर्निंग में कोड करता था, डेटा साइंस में करता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये एक ऐसी लैंग्वेज है, आप किसी भी एरिया में जाओ हर तरफ आपको मदद करेगी। जबकि जावा में आपको कभी मैं ये नहीं कहूंगा, मेरी बात में मत जाओ, आप कभी सर्च करिएगा जावा का कोड मशीन लर्निंग में, कोई छोटा सा टास्क का कोड सर्च करिएगा, और उसी तरीके से उसी पर्टिकुलर टास्क के लिए आप पाइथन में कोड सर्च करिएगा, आपको एकदम साफ, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि आखिर आपको कौन सी लैंग्वेज सीखनी है। आपको मुझे कहने की जरूरत, मेरे कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी उस समय, आप खुद समझ जाओगे हाँ मुझे पाइथन में ही जाना है, ठीक है। तो गोल डिसाइड करिए, लिस्ट बनाइए क्या क्या चीजें सीखनी है, नहीं आ रहा है हम लोग समझाएंगे आपको,
करियर काउंसलिंग करेंगे और फिर उसके उसके मतलब उस एरिया में फिर उस रास्ते पे फिर आगे बढ़ जाइए। ठीक है, सिंपल तरीका है जॉब सिक्योर करने का और कुछ नहीं। ठीक है, तो इसी के साथ मैं यहाँ पर खत्म करना चाहूंगा। अगर किसी कोई भी क्वेरी है तो वो कर सकता है। If you have any query and questions, please ask. अगर आपको कुछ कुछ क्वेश्चन पूछना है तो बोलिए, सर लोग हैं अभी मौजूद। हेलो हेलो, हाँ अगर सर कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो सर अभी ऑनलाइन है, बातचीत कर सकते हैं। No, no question, sir. कोई क्वेश्चन किसी को भी? अच्छा एक चीज और, ठीक है कोई क्वेश्चन नहीं, आप अंदर अपने अंदर क्यूरियोसिटी जगाओ, जानने की इच्छा रखो हमेशा से। ऐसा नहीं हमने बोल दिया वही सत्य नहीं है, वही ट्रुथ नहीं है। हर चीज को एनालाइज करो, किसी ने कुछ भी बोला उसको एनालाइज करो, नहीं समझ आ रहा नेट पे सर्च करो, हर चीज करो। ठीक है, और हमेशा क्वेरी के लिए हमेशा तैयार रहा करो कि हाँ सर मुझे ये क्वेरी करनी है, ये प्रॉब्लम हो रही। अगर आप क्वेरी नहीं कर रहे हो मतलब आप न्यूट्रल हो, किसी भी चीज के लिए न्यूट्रल हो, है ना। या तो आप निगेटिव में जाओगे या तो पॉजिटिव में जाओगे किसी भी चीज को सुनने के बाद। तो कोशिश करो पूरा 100% कोई भी चीज सुन रहे हो 100% के साथ सुनो, और कोई भी एक सिंगल पिन पॉइंट की चीज भी अगर नहीं समझ में आई तो उस पर आप क्वेरी कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। तो संजीव सर, हेलो, हाँ सर, या राजेश जी, आप बच्चे को कुछ क्वेश्चन होगा तो पूछ लीजिए एक बार आप अपने स्तर से। राजेश जी, मैं बच्चों से यही कहना चाहूंगा सभी बच्चों से जी, सर जी, कि आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है, ओके, हेलो, वो अपने क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हो। हेलो, मैं बच्चों को यही कहना चाहूंगा कि आप लोग का कोई भी क्वेश्चंस है आप लोग पूछ सकते हैं। अगर अभी आप लोग को पूछने में प्रॉब्लम हो रही है तो कोई सुनी जो आपका ग्रुप है आप उसमें ड्रॉप कर दीजिएगा क्वेश्चंस, आपको आंसर मिल जाएगा। या अभी अगर पूछना है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेरी एंड क्वेश्चंस हो कुछ भी। आई थिंक कोई क्वेश्चंस नहीं है तो कंप्लीट करते हैं फिर। आप लोगों को यही कि आप लोग तैयारी कीजिए, कोशिश कीजिए खुद को निखारने की, एंड जो प्लेसमेंट ड्राइव आएगा उसको अच्छे से करते हैं। ठीक है, आप लोगों को अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा बैठने के लिए, पूरी कोशिश की जाएगी। और जो बच्चे जो चीजें अभी हम लोग बताए हैं, जो बच्चे इस पे काम करेंगे डेफिनेटली उनका सिलेक्शन होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। मुकुल सर, थैंक यू सो मच सर फॉर योर सच अ नाइस सजेशन एंड जो आपने जो गाइडलाइन किया उसके लिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एवरीवन। Like, comment, share, subscribe, and press the bell icon, never miss on updates from Shivram Kumar.